हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके नाइस। तो शिक्षक भर्ती 68,500 वैकेंसी को लेकर नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी हमने लेटेस्ट न्यूज़ में पढ़ा था कि नंबरों को लेकर गड़बड़ किया है आयोग ने। तो ये न्यूज़ है अमर उजाला की पेज इलाहाबाद में, इलाहाबाद अमर उजाला इलाहाबाद, बृहस्पतिवार 6 सितंबर 2018, पेज नंबर 6 पर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिनके साथ में नंबरों को लेकर गड़बड़ हुआ है उनको सबको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए इस न्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। यदि आप इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं इस न्यूज़पेपर का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी मामला शिक्षक भर्ती 2018 से संबंधित है, बिना परीक्षा दिए ही हो गए पास। इससे पहले कुछ विद्यार्थियों के अंकों को लेकर गड़बड़ में मामला सामने आया था। तो ये नया मामला है जिसमें बिना परीक्षा दिए ही पास हो गए। तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आवेदन के बाद परीक्षा छोड़ देने वाले दो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल। तो चलिए इस न्यूज़ को विस्तार से पढ़ते हैं। समय बीतने के साथ साथ परिषद स्कूल में 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित नए खेल सामने आ रहे हैं। तो नए खेल सामने आ रहे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर। परीक्षा के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से घोषित परिणाम में दो ऐसे अभ्यर्थी को सफल घोषित कर दिया जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे दो विद्यार्थियों को सफल घोषित कर दिया जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है। तो परिणाम की घोषणा के बाद पूरी परीक्षा पर सवाल उठ जाने के बाद इन दो अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग से पहले जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करने के बाद इन अभ्यर्थियों का मामला बेसिक शिक्षा विभाग एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो परीक्षा में गलत तरीके से पास होने वाले अभ्यर्थियों के बारे में खुलासा सचिव परीक्षा पर दे रहे धरना विद्यार्थी दे रहे धरना ने किया है। तो अभ्यर्थियों ने जो धरना दिया है कार्यालय पर, उन्होंने इसका खुलासा किया है। तो उन्होंने इन दोनों अभ्यर्थियों के नाम गोपनीय रखते हुए नाम उजागर करने से मना कर दिया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 68,500 शिक्षक भर्ती में 41,556 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सचिव परीक्षा नियामक की ओर से परीक्षा में आवेदन के बाद परीक्षा छोड़ देने वाले इन अभ्यर्थियों ने कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से परीक्षा पास में सफलता हासिल की थी। परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद पहले दिन से ही अब परीक्षार्थियों ने कार्यालय के बाबुओं एवं मूल्यांकन में लगे अधिकारियों पर पूरी परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद से लगातार परीक्षा में गड़बड़ को लेकर नित नए मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अब बात करने से बच रहे हैं। तो ये नया मामला सामने आया शिक्षक भर्ती से संबंधित, जो बिना परीक्षा दिए ही पास हो गए। तो ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी। तो आपको यदि ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।